love. Boy, you got me hooked onto something. Who could say that they saw us? Come and tell me, do you feel the love? In this video, as I promised, मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं टी शर्ट भी जल्दी ही बनाऊंगी. आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है, थोड़ा सा आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन अ ग्राफिक टी और गर्ली वाले टी में, तो मुझे टाइम लग गया. बट फाइनली आई एम हेयर विद होल अनदर लेवल ऑफ ग्राफिक टी. लाइक आप पागल हो जाओगे इसमें, क्योंकि मैं खुद भी पागल हो रही हूँ. कैन यू सी माई एक्साइटमेंट? द फर्स्ट थिंग लाइक Oh my God, so pretty, so pretty. The color is so pretty. Like, can you see? This color has another level of five. Like, ये वाला आप टी-शर्ट पहनो और कोई ना पूछे कि आपने कहाँ से लिया है, तो मे बी उसके कलर चॉइस में कोई प्रॉब्लम होगी. बट आप A1 दिख रहे हो. पता नहीं मुझे क्या हो गया आज, ऐसा लग रहा है इन टी शर्ट के बारे में बात करते हो ना, मेरा जो मूड है अलग लेवल पे जा चुका है. मैं अलग ही एक्साइटमेंट में हूँ इन टी शर्ट के बारे में बात करने. कैन यू सी द बेसिक? बट इट्स नॉट बेसिक, इट्स सो कूल. चलो मैं बेसिक चीज़ें बता देती हूँ. फर्स्ट, आई शॉप दिस इन अ लार्ज साइज. ऑलरेडी ये ओवरलाइट टी शर्ट के सेक्शन में था, इसलिए आई शॉप लार्ज. मैं ज़्यादा इस बार पागल नहीं हुई एक्स्ट्रा और डबल एक्सल साइज में, तो मैंने यहाँ पे लिया है लार्ज साइज. मैं स्मॉल पहनती हूँ, मैंने एक साइज स्किप करके मैंने लार्ज साइज लिया. तो आप इस अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको लार्ज साइज कौन से सेक्शन का आएगा अपने जो नॉर्मल साइज आप पहनते हो. या सो लुकिंग साफ, लाइक कलर एंड एवरीथिंग. लेट मी टेल यू द मटेरियल इज सो गुड, लाइक समर के लिए परफेक्ट है. कॉटन वाला मटेरियल, जैसे आप चाहते हो ना कि एक टी शर्ट का खुद का स्ट्रक्चर बना रहना चाहिए आपके ऊपर पार्ट वाले बॉडी पे, ये बिल्कुल आपके जो टी शर्ट का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो वैसे ही रहेगा. बहुत कूल है. एंड सेकेंड, इसकी स्लीव ड्रॉप होती है यार, इतना सही लगता है. इसकी स्लीव कहाँ से ऐसे ड्रॉप हो रही है, इट्स लुकिंग सो गुड. द क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज सो नाइस. सी, खुद देखो पास से. एंड इट्स अ फुल्ली ओपेक है, जो इस पे जो प्रिंटिंग की गई ये इसी के ऊपर है. कैन यू सी? सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज दिस. ये मैंने थोड़ा सा, मुझे टिंटेड येलो कलर समर के लिए चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये वाला कलर चूज किया. और जो इसमें कूल चीज है, ये आगे से पूरा प्लेन है, जो प्रिंट है ना वो बैक साइड पे है. एंड इट्स सो कूल. इसमें भी सेम मैंने लास्ट साइड लिया है. एंड ये सेम ब्रांड के हैं, दिलिंगर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, दिलिंगर. पता नहीं, मैं लिंक दे दूंगी, आप देख लेना. ये मैंने जो सारे टी शर्ट्स हैं एजियो से लिए, इफ आई फॉरगॉट टू मेंशन अर्लियर. ये वाला भी जो प्रिंट है ये इसी के ऊपर है, ये अलग से कोई प्लास्टिक प्रिंट नहीं है. ये इम्प्रेस किया गया है, लाइक ये कलर वाला है, लाइक इसी के साथ ही है. मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ. ये सारे आप ट्राई ऑन में भी देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं मुझ पे. एंड ब्लू पे बहुत ज्यादा. और यहाँ पे मैंने ब्लू कलर इसलिए चूज किया है, ज्यादातर ब्लू कलर पहनते हैं ना, इसलिए मैंने सारे टी शर्ट को ब्लू कलर पे दिखाया है कि आप देख सको कि अच्छा ये ऐसे लग रहे हैं ब्लू कलर पे, जैसे अगर आप नॉर्मली पहनोगे तो भी अच्छे लगेंगे. और ये मैंने ज्यादातर घर में भी पहनने के लिए लिया है. सो ज़्यादातर टाइम मैं घर पे स्पेंड करती हूँ, तो मैं चाहती थी कि घर पे मैं अब अच्छे अच्छे टी शर्ट्स पहनूँ. आज तो मैंने डेयरिंग कर दी, मैं घर पे वाइट टी शर्ट पहन के घूम रही थी. यस, सही में. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट. एंड आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है. इसका जो मटेरियल है उसी की तरह सेम है, कॉटन वाला. ये भी आपके बॉडी पे हग नहीं होता है, इसका भी पूरा जो शेप है वो बना रहता है. या सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज दिस वन. ओके, ये भी सेम है. ये आगे से पूरा प्लेन है. एंड जो इसमें मेन डिजाइन है वो पीछे है, और इसको भी मैंने लास्ट साइज में लिया है. एंड द सेम ब्रांड. एंड द फर्स्ट थिंग की ये बिल्कुल कोलैबोरेशन नहीं है, ना ये स्पॉन्सर्ड है, कुछ नहीं है. ये पता नहीं, जब मैं चूज कर रही थी तो सारे इसी ब्रांड के अच्छे अच्छे टी शर्ट ऐसे मिलते जा रहे थे, और मैं ऐड करती ही जा रही थी, इसलिए सारे सेम ब्रांड के आ गए. मेरा कोई ऐसे इंटेंशन नहीं था कि मैं सेम ब्रांड का ही करूं. हमने इस ब्रांड का इसलिए लिया क्योंकि इसकी सही में जो इनकी क्वालिटीज है, वैसे वेबसाइट पर भी देख के मुझे पता चल रहा था कि अच्छा अच्छी ही होगी. क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एजियो हॉल किया था, तो आई शॉप फ्रॉम द मैन कलेक्शन, क्योंकि लड़कियों के कलेक्शन में ग्राफिक टी अफोर्डेबल नहीं मिल रहे थे. बट इस बार जो वाले या कोई भी जो ये ब्रांड है वो लेके आया और मुझे मिल गया. एंड आई एम सो हैप्पी. एंड ये वाला जो पूरा प्रिंट है,
ये ग्राफिक प्रिंट है पूरा, ये पूरा ये प्लास्टिक का अलग से ये प्रिंट, यू कैन फील द टेक्सचर, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये पूरा प्रिंट है। पीछे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड दिस बास्केटबॉल कोर्ट इन अ मिडल ऑफ आई थिंक बीच और समथिंग, कहीं बीच बीच पे है क्योंकि ये ट्री बीच वाला लुक दे रहे हैं। एंड रिटन हेयर टीम स्प्रिट, और नीचे है मेक इट काउंट। या सो बहुत ज़्यादा पीछे से यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। एंड लाइक दिस टी शर्ट आई कैन से कि होना चाहिए सबके पास, लाइक ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप टी शर्ट खरीद रहे हो तो गो फॉर समथिंग लाइक दिस जिसमें बैक पर डिज़ाइन है तो अच्छा लगेगा। मेरे पास ना एक टी शर्ट है वाइट कलर की जिसमें फ्रंट में प्रिंट था, बट मुझे ना कभी कभी ऐसे बैक साइड पे प्रिंट चाहिए था तो मैं उसको उल्टा करके पहनती थी तो बहुत अच्छा लगता था। इसका थोड़ा फेडेड ब्लैक टेक्सचर आ रहा है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है एंड इट विल लुक सो कूल। कैसे भी आप पहनो बहुत अच्छा लगेगा, लाइक मुझ सो कूल। मैंने मम्मा को भी दिखाया एक एक करके सारे टी शर्ट, उनको भी बहुत अच्छा लगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज़ द अगेन ह्यूज प्रिंट एट द फ्रंट एंड इट्स इन अ ब्राउन पेस्टल टोन, और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। एंड अगेन सेम, ये भी उसी ब्रांड का है एंड आई बॉट इट इन अ लार्ज साइज, और इसके फ्रंट में एक रेनबो कलर का है। एंड इट रिटन हेयर रोड ट्रिप हैरोरियर हॉरर रियर हैरियर, आई डोंट नो कि क्या लिखा है, बट रोड ट्रिप है रियोर हैरियर। प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आपको क्या दिख रहा है। और जो इसकी प्रिंट की क्वालिटी है वो भी अच्छी है, थोड़ा सा जो टेक्सचर्ड है इसका जो प्रिंट है, मुझे पता है ये वाइट पे बहुत अच्छा लगेगा, और जो इसका प्रिंट है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस कलर को, बहुत सही है यार। सबका मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है, बस इसका जो मटेरियल है थोड़ा फेडेड होने के कारण थोड़ा अलग है, बट इसका भी मटेरियल सॉफ्ट है। एंड इसका भी समर में ये जो सारे ग्राफिक वाले टी है ना बहुत अच्छे लगेंगे, लाइक बहुत बहुत अच्छे, लाइक अदर वेबसाइट पर तो बहुत ज़्यादा महंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज दिस वन, ओ माई गॉड, मैं बता नहीं सकती मुझे ये कब से चाहिए था ऐसे टी जो इन पे जिन पे ये डिक्शनरी या जो गूगल सर्च करते ना उस टाइप का ऐसे लिखा हुआ है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है ये, और जो बेसिक वाला एक सेकेंड, इन दोनों का कलर ऑलमोस्ट सेम है, लाइक ऑलमोस्ट हल्का सा टाइनी माइनी डिफरेंस है। आई थिंक कैमरे पे इतना पता भी नहीं चल रहा होगा, बट मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है बहुत हल्का सा शेड डिफरेंट है जो बिल्कुल नोटिसेबल नहीं है, बिल्कुल आप ऐसे घूर के ना देखो जब तक। ओके, ऐसा फील हो रहा है कि ये जो टी शर्ट है मेरे कबर्ड में बहुत दिन से मिसिंग था। इसको मैं बता रही हूँ, मैं पिंटरेस्ट इंस्टाग्राम जहाँ पे भी मैं कपड़ों के लिए आउटफिट के लिए इंस्पिरेशन के लिए जाती हूँ, थोड़े कैजुअल और समर टाइप में ना, मैं इन वाले टी शर्ट को हमेशा देखती थी और मुझे ये चाहिए था, और मैं बहुत लाइक बहुत टाइम से ढूंढ रही थी कि कोई मुझे एकदम परफेक्ट कलर में ऐसा कुछ प्रिंट मिल जाए। एंड मिल गया, सी क्वालिटी अच्छी है, साइज भी अच्छा है, लाइक सब कुछ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। मैं कैसे तारीफ करूँ यार, इन सब के बहुत अच्छा है, कैन यू सी सी एकदम से कैसे सुंदर सा बना रहा है ये कलर, मुझे कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ओ माय गॉड, ये वाला आपको देखना पड़ेगा, ये भी बहुत अच्छा है। आई नो आप देखोगे, बट फिर भी थोड़ा सा ट्विस्ट डालने के लिए, क्योंकि ये मैंने पिक्चर भी अपलोड की थी, और बहुत रेयर है कि मैं कोई ऐसे वाइब्रेंट कलर लूँ, क्योंकि हमेशा मैं पेस्टल या डार्क या बेसिक कलर में जाती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा ऐसे कलर लेना चाहिए जो मैं ऐसे कैजुअल आउटिंग पे भी पहन सकती हूँ। और ओ सो सुंदर, लाइक ये वाला बिल्कुल पिंटरेस्ट वाला लुक दे रहा है, और इस पर एक गर्ल है जिसके ऊपर पूरा फ्लावर का ऐसे आईज पे ऐसे कवर अप है, जो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा है। एंड लाइक ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है पूरे लुक को, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड कमिंग टू द प्रिंट, ये भी पूरा प्लास्टिक वाला प्रिंट है, और टेक्सचर भी आप इस पर फील कर सकते हो, लाइक पूरे टेक्सचर को अच्छे से फील कर सकते हो, बहुत सही है। एंड द क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज़ नाइस। अगेन मैंने सबको लार्ज साइज में लिया है, एंड सबके लिए मैंने सेम ही प्राइस पे किया है 370, और एक और बचा हुआ है वो भी दिखा देती हूँ। सो द लास्ट वन आई हैव टू बाय, लाइक वाइट कलर में ना लूँ ये इनकम्प्लीट हो जाएगा मेरे टी शर्ट के हॉल में, डेट्स वाई द लास्ट थिंग इन द हॉल इज दिस वन, द वाइट कलर। उसके ऊपर है ये बिल्डिंग का यूसा प्रिंट, काफ़ी सॉफ्ट एंड अच्छा सा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सी आई थिंक ये न्यूयॉर्क है, यस इट्स न्यूयॉर्क,
क्योंकि व्हाइट कलर एक जो मेरे पास था वो मैंने घर में पहनना अभी स्टार्ट कर दिया है, इसलिए मुझे एक व्हाइट कलर चाहिए था बाहर पहन के जाने के लिए. एंड इट्स सो क्यूट, सो सो क्यूट. ओह माय गॉड, जो लास्ट टाइम मैंने टी शर्ट्स लिए थे ना, बहुत सारे टी शर्ट्स तो मैंने अपने भाई को ही दे दिए क्योंकि मुझे नए लेने थे. बहुत अच्छा लग रहा है यार ये. आई एम सो हैप्पी यार, सबकी क्वालिटी अच्छी है, सबका मटेरियल अच्छा है, फैब्रिक अच्छा है. लाइक एजियो ना मुझे कभी टी शर्ट्स में नाराज नहीं करता, ये बात तो पक्की है. इस बार भी एजियो बिल्कुल नाराज नहीं किया है. एंड ऑल ऑफ देम आर सो परफेक्ट. लाइक मैं बिल्कुल हाइप नहीं बना रही हूँ यहाँ पे, आप खुद भी मंगवा के चेक कर सकते हो. दे हैव अ 15 डेज रिटर्न विंडो, तो आप मंगवा के देख लो, आपको अच्छे लगे तो देख लो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड अगर आपने अभी जाना, कॉलेज जाना स्टार्ट किया, तो उसमें हमें बहुत सारे ऐसे कूल टी शर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है ना डेली पहनने के लिए, तो यू कैन गो फॉर दीज वंस. और आप ज़्यादा लोगे तो आई थिंक मैंने 7 लिया था, इस वजह से मुझे ज़्यादा का डिस्काउंट मिला था इस पर, 800 या 900 का समथिंग का, तब जाके मुझे 370 के ही सारे पड़े हैं. मतलब बिना डिस्काउंट के ये 400 के हैं शायद, आप देख लेना. मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक दे दूंगी. और जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, एक तो वो पिंक कलर का एंड द फ्लॉसम बेसिक ब्लैक फेडेड वन, लाइक ऑलमोस्ट सारे ही हैं. तो जो पीछे प्रिंट आ रहा है वो मुझे कब से चाहिए था. सो आई एम सो हैप्पी विद माई परचेज. एंड आई होप कि आपको भी अच्छा लगा हो मेरा टी शर्ट हॉल. एंड डू लेट मी नो कि आपको और क्या देखना है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, गिव अ थम्स अप सो आई कैन नो आप इंजॉय कर रहे हो मेरे कॉन्टेंट को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एंड प्रेस द बेल आइकन वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा. वैसे मैं थर्सडे एंड संडे को वीडियो अपलोड करती हूँ. Yes. So thank you for watching. Love you and bye. Take care.